हमें हैप्पी लाइफ मिलती नहीं है, हमें बनानी पड़ती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल प्लैनेटस गर्ल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ, बट मेरे यहाँ दूध नहीं है, तो चलती हूँ दूध लेके आती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। मैं जा रही हूँ दूध लेने। मैं दूध लेके आ चुकी हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि एकदम इंसान फ्रीज हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं चाय। मेरी चाय रेडी है गाइस, तो अब मैं चाय पीती हूँ। और प्लीज़ गाइस, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखा करिए, प्लीज़ एंड तक आप लोग वीडियोस देखा करिए। आज लंच में मैं बना रही हूँ दाल चावल। दाल चावल के लिए मैंने ये दाल भी भिगो के रख दिया था और चावल भी भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले, क्योंकि मैं जो राइस बनाती हूँ वो स्टार्च रिमूव करके बनाती हूँ राइस को, तो इसलिए मैंने अच्छे से दो तीन पानी से धुल के और ये मैंने चावल भिगो दिया था। अभी मैंने चावल धुल करके और जितना नॉर्मल चावल में पानी पड़ता है उसका दोगुना पानी डाल करके मैंने चावल को रख दिया है, और अभी हाई फ्लेम पे चावल को पकाएंगे। जब पानी बॉयल होने लगे तो फ्लेम को मीडियम कर दो। आज हम मसाले वाली दाल बना रहे हैं। मसाले वाली दाल बनाने के लिए हम सबसे पहले उसमें जीरा डाल देंगे तेल में, और जीरा के बाद हम प्याज और मिर्च को डाल देंगे, और इसको भी डाल करके हम अच्छे से भून लेंगे। हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी है, तो अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। अब टमाटर डालने के बाद हम इसमें गरम मसाला, सब्जी मसाला, हल्दी और नमक ये सब भी डाल के और अच्छे से चला लेंगे और अच्छे से इनको भून लेंगे, ताकि जो हमारा प्याज है और जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद हम दाल डाल देंगे, जो मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी उसे पानी के साथ में डाल देंगे और देख लेंगे, अगर थोड़ा बहुत पानी कम लगे तो थोड़ा और पानी डाल के और उसके बाद कुकर बंद कर देंगे। और ये देखिए आप लोग, मेरा चावल हो चुका है और जो पानी है उसे हम हटा देंगे। ये देखिए हमारा चावल एकदम अच्छे से हो गया है। गाइस अभी शाम हो चुकी है, अप्रोक्स में 6 बज रहा है और अभी मैं पढ़ाई कर रही थी, देखिए आप लोग। और अब सोच रही हूँ उठूँ जाऊँ चाय बनाऊँ अपने लिए, पर क्या करूँ, इतनी आलस आती है ना ठंडी में, उठने का मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी। पर वही करना तो पड़ेगा ही, अगर खाना है तो या तो पीना है, क्योंकि मम्मी नहीं है ना यहाँ पे, और मम्मी के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे बैठे बैठे ला के दे सके, तो उतना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। बट आप लोगों को पता है मुझे ठंडी का मौसम बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन वही है, करना तो पड़ता ही है, क्या कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो चलिए चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं चाय, और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताने वाली हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेने का मेरा इरादा इसलिए था क्योंकि मैं CSIT नहीं लेना चाहती थी, जो कि मेरे पापा जो है हमेशा बोलते थे कि तुम CSIT से करो। बट उन्हें ऐसा, मतलब ये चीज़ है भी कि CSIT वालों को प्राइवेट जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है, तो मैंने, मेरा नहीं मन था प्राइवेट जॉब करने का, मेरा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगी, इसीलिए मैंने ये ब्रांच ली। जबकि अभी जो लोग मेरे फ्रेंड लोग थे जो उस ब्रांच से थे, अभी वो लोग सेटल्ड हो चुका है, सो उन लोग को देख के ना कभी कभी इतना मैं मोटिवेट हो जाती हूँ खुद में कि मेरा यही मन करता है कि यार मैं भी कर लूँ, करती तो कितना अच्छा होता। बट फिर भी फिर मैं बैक टू अपने नॉर्मल आ जाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं मेरे लाइफ में जो
मुझे मोटिवेट करते हैं इस चीज़ के लिए। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे फैमिली मेंबर में भी एक दो लोग हैं, स्पेशली मेरा भाई, जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करता है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, अभी समय है कर लो। और मैं भी यही सोचती हूँ कि है तो कर लूँ, फिर टाइम नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा जो भी होगा। तो भी मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब में मैं जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर जो जॉब्स होती हैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और सच में थोड़ा सा टफ होता है कि जब आप के लिए आपके साथ वाले जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं सेटल्ड होते हैं और आप नहीं होते हो ना, तो जब आप देखते हो उन लोगों को ना तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है। बट ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस एक बात और है कि मेरा जो वीडियो है ना वो डेली 2 बजे आएगा, मैं भूल गई थी बोलना, डेली 2 बजे दिन में आएगा। थैंक यू। सो गाइस अभी मेरा डिनर हो चुका है और 8 PM हो रहा है अप्रॉक्स। और भी मैं पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई करने के बाद एडिटिंग करूँगी। और अभी आज मैं मुझे अपने बालों में ऑयल भी लगाना है क्योंकि कल मुझे बाल धुलना है। और ठंडी में बाल धुलने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है क्योंकि आई कैन थिंक ये लड़कियाँ इस बात से मेरे रिलेट करेंगे क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है ठंडियों में बाल धुलने में, बाल जल्दी सूखते नहीं हैं। तो देखती हूँ मैं आज ऑयल लगाऊंगी फिर कल बाल भी धुलना है। और दूसरी बात ये गाइस कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट मी गाइस। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।